रायपुर सिविल लाइन स्थित पुराना पुलिस मुख्यालय के सामने भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, वहीं घटना के बाद कार चालक फरार हो गया है। केंद्रीय जेल दुर्ग से विचाराधीन कैदी को जिला अस्पताल टीबी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया, फिर बाथरूम की खिड़की से फरार हो गया। विचाराधीन कैदी का नाम सोहन यादव है, वह बाइक चोरी के मामले में जेल में बंद था। रायगढ़ जिले की कोसीर थाना पुलिस ने प्रार्थिया की शिकायत पर शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाकर शादी से इनकार करने वाले चकद्दर नगर थाना क्षेत्र निवासी युवक वीरेंद्र सिदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर में चोरी की बाइक लेकर भाग रहे 17 साल के लड़के को आसपास के लोगों ने धर दबोचा। वह छात्र की बाइक लेकर भाग रहा था, इस दौरान पुलिस ने एक दूसरे युवक को भी चोरी की बाइक में घूमते हुए गिरफ्तार किया है। बाइक चोरी के इस मामले में कोटा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 3 बाइक बरामद की है। रायपुर की आजाद चौक थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की साइकिल बेचने के फिराक में घूम रहे निशांत राज यादव नामक युवक को पकड़कर उसकी निशानदेही पर चोरी की 10 साइकिलों को बरामद किया गया है। जसपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चटकपुर में बिना बताए 4 दिन तक घर से बाहर रही पत्नी को लौटने पर पत्नी ने डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति पहरू को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र से नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर भगाकर सूरत गुजरात ले जाकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी एलिन मसीह को बालको थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया है। कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने मंगलवार की रात नगर के सीटीओ कॉलोनी में स्थित उत्सव ज्वेलर्स शॉप में चोरी में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 5 जुलाई की रात को अज्ञात चोरों ने फरसगांव नगर के सीटीओ कॉलोनी स्थित उत्सव ज्वेलर से 10,000 रुपए नगद समेत करीब 1.5 लाख रुपए के सोने व चांदी के गहने चोरी किए थे। कांकेर में यात्री बस चालक की लापरवाही के चलते मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक बस स्टैंड में खड़ी बस में सवार हो गया और बस को अनियंत्रित ढंग से सड़क पर दौड़ने लगा। बस चलाते हुए उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी। जिला अस्पताल के पास बस रुकने पर यात्रियों ने उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। धमतरी रायपुर नेशनल हाईवे पर कुरुत के पास कार बेकाबू होकर पलट गई। कार धान लगाने के लिए तैयार किए गए खेत में जाकर पलट गई। कार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी BIT का एक छात्र देवाशीष वर्मा चला रहा था। बीजापुर जिले के सर्चिंग से लौट रहे CRPF के जवानों की टीम में से एक जवान बरसाती नाले में बह गया था, जिसकी लाश काफी मशक्कत के बाद जवानों ने बरामद कर ली है। CRPF के जवान ग्रामीणों की मदद से पानी में बहे साथी के जवान को ढूंढने में लगे हुए थे। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के SECL की आदर्श नगर कॉलोनी में मां बेटी की हत्या की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया। मामले में पुलिस ने मृतिका के बेटे को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी नशे की हालत में अपनी बहन और मां को मौत के घाट उतारा था। बिलासपुर की तारबाड़ थाना पुलिस ने देर रात्रि घर घुसकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के आरोपी गोलू माथुर को गिरफ्तार किया है। तारबाहर पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर अपराध दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ के चंद्रपुर थाना क्षेत्र में दवा दुकान से पैदल लौट रही एक बुजुर्ग महिला को बेकाबू कार ने इस कदर ठोका कि उछलकर गिरने से बुरी तरह जख्मी वृद्धा ने जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया।
सरगुजा के ग्राम बगदरी में काम से लौटे पति ने अपनी पत्नी को खाना बनाने बोला और वह आग जलाने लगा। उसकी पत्नी शराब के नशे में उल्टा सीधा बोलने लगी, मना करने पर नहीं मानी। तब आरोपी ने गुस्से में आकर जलती हुई लकड़ी के डंडे से मृतिका के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शौक पूरा करने के लिए अपने ही घर से चोरी करने वाले युवक को नंदनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने घर से 2 लाख रुपए के जेवर और जमीन के दस्तावेज चोरी कर लिए थे। जेवर चुराने के बाद आरोपी ने उसे एक ज्वेलर दुकान वाले के पास गिरवी रख दिया था और खूब रुपए खर्च कर रहा था। छत्तीसगढ़ में हर रोज संक्रमण दर बढ़ते जा रही है। प्रदेश में संक्रमण दर अब 2.42 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को 12,230 जांचें हुई, जिनमें से 296 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग में मिले, दुर्ग में 60 और रायपुर में 53 नए मरीज मिले हैं। काउंसिल में रजिस्टर नहीं होने पर नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाने से परेशान नर्सिंग छात्रों ने शुक्रवार को डीएमई कार्यालय का घेराव किया। सभी नर्सिंग छात्र कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करते रहे। राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाव ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शुक्रवार को कुलपति कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। गरियाबंद जिले के राजिम से लगे ग्राम मुरमुरा के 2 किसानों को सस्ते में हार्वेस्टर दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी भंडारा महराज निवासी सचिन सदस्य चंदन बामले को गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद जिले के राजिम पुलिस ने राजिम स्थित सरकारी शराब दुकान से अधिक दाम पर कोचियों को देसी शराब बेचने के आरोप में दुकान में सेल्समैन मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद जिले की राजिम पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल में शराब का परिवहन कर रहे आरोपी मेघराज सोनकर को 48 पवा देसी मदिरा के मसाला शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है।